क्रिकेटर सलीम दुर्रानी नहीं रहे। 60 और 70 के दशक के मशहूर भारतीय ऑलराउंडर सलीम अजीज दुर्रानी ने 2 अप्रैल 2023 को जामनगर में अपने घर में आखिरी सांस ली। वो 88 साल के थे और कैंसर से जूझ रहे थे। सलीम दुर्रानी वो अटैकिंग बैट्समैन जो दर्शकों की मांग पर स्टैंड पर उन्हीं के पास सिक्स मारने के लिए मशहूर थे। दुर्रानी स्ट्राइकिंग पर्सनैलिटी, ए सिक्स बाय पब्लिक डिमांड। वो सलीम दुर्रानी जो पहले भारतीय टेस्ट क्रिकेटर थे जो बॉलीवुड में हीरो के तौर पर किसी फिल्म में सिल्वर स्क्रीन पर चमके थे। एक तो तेरी भाषा मेरे पल्ले नहीं पड़ती और हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है तू। फिल्म थी चरित्र जो 1973 में रिलीज हुई थी। इसी फिल्म से एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था और आगे चलकर मशहूर हीरोइन बनी। 1960 से 1973 तक भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले ऑलराउंडर दुर्रानी तब लॉफ्टेड शॉट्स के लिए जाने जाते थे जब T20 या फटाफट क्रिकेट वजूद में ही नहीं आया था। 11 दिसंबर 1934 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जन्मे लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिश बैट्समैन दुर्रानी ने भारत के लिए कुल 29 टेस्ट मैच खेले और 1202 रन बनाए जिनमें एक सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी थी। उनका टॉप स्कोर 104 रहा। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर दुर्रानी ने 75 टेस्ट विकेट भी लिए। 1960 में अपने टेस्ट करियर का आगाज करने वाले दुर्रानी जिंदगी को मस्त मौला अंदाज में जीना पसंद करते थे। लंबे चौड़े और डैशिंग पर्सनैलिटी वाले दुर्रानी को जब पहली बार देवानंद ने देखा था तो कहा था, क्या हीरो बनोगे। सलीम दुर्रानी के बारे में किस्सा मशहूर है कि एक बार ट्रेन पर युवा सुनील गावस्कर के साथ वो सफर कर रहे थे तो उन्होंने गावस्कर को ठंड से ठिठुरते देखा तो अपना कोट उतार कर उन्हें पहना दिया। राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेले दुर्रानी ने ठंड में कांपती एक भिखारी महिला को देखा तो राजस्थान टीम का अपना ऑफिशियल स्वेटर उतार कर उसे दे दिया था। अलविदा भारतीय क्रिकेट के प्रिंस चार्मिंग सलीम दुर्रानी। देश दाबा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।